फिर बात करते हैं कि कैसे तैयार करें ग्रोइंग मीडिया जब प्रो ट्रे क्या है तो कैसे तैयार करना है इसके लिए हमको चार भाग लेना होता है वर्मी कंपोस्ट चार भाग लेना होता है कोकोपिट और एक भाग वर्मिकुलाइट और एक भाग परलाइट के यूज करते हैं तो सबसे पहले जान लें कि जब कोकोपिट यूज करते हैं तो कोकोपिट को यूज करने से पहले आपको 24 घंटे पहले पानी में भिगोना होता है पानी में भिगोने के लिए आप जो ब्रिक है उसको तोड़ेंगे तोड़ने के बाद उसको पानी में ड्रम में या किसी जगह में आपके पास है उसको पानी में भिगो देंगे पानी में भिगोने के बाद 24 घंटे बाद नेक्स्ट डे जब उसको निकालेंगे बाहर निकालने के बाद थोड़ा सा सुखा देंगे ताकि पानी का उसका मॉइस्चर कम हो जाए उसको कम से कम सात से आठ घंटे सुखाने के बाद आप उसको जैसे मात्रा बताई गई है चार भाग कोकोपीट चार भाग वर्मी कंपोस्ट एक भाग परलाइट एक भाग वर्मिकोलाइट उसको आपस में मिक्स करेंगे मिक्स करने के टाइम ये ध्यान रखना है उसमें हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए ताकि बीज का जर्मिनेशन अच्छे से हो सके उसके बाद आपको उस ट्रे के अंदर उस मिक्सर को भर देना होता है तकरीबन सवा के जी मिक्सर उस एक ट्रे के अंदर आता है जो पचास सेल की होती है उसके बाद जब आपने ट्रे तैयार कर लिया उसके बाद एक बीज एक सेल के अंदर जो एक छिद्र है ट्रे का उसके अंदर एक बीज डालना है और उसके बाद हल्का जो मिक्सचर उसको ऊपर डाल के उसको कवर करके हल्का सा मॉइस्चर जो रोज कैन आता है उससे दे दिया जाता है और उसको किसी प्रोटेक्टेड स्थान या सुरक्षित स्थान है उस पर रख दिया जाता है इसके उपरांत आपको ध्यान रखना है कि 10 से 12 दिन बाद आप इसमें एन पी के उन्नीस उन्नीस जो पानी में घुलनशील होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं स्प्रे तीन ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करके एक अठारह से बीस दिन के ऊपर भी स्प्रे कर दें ताकि उसका आपका सीडलिंग का जो है ग्रोथ अच्छा होगा और ये सीडलिंग जब हम गर्मी में तैयार करते हैं तो अठारह से बीस दिन में तैयार हो जाती है अगर सर्दी में तैयार करते हैं तो पच्चीस से तीस दिन के अंदर ये सीडलिंग तैयार हो जाती है